बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए द रिजल्ट इज 6i + j, इफ़ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्ट इज -4i + 7j, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए। अच्छा भाई, दो वैक्टर्स हैं हमारे पास, एक ए है दूसरा बी है, एक वैक्टर ए है दूसरा वैक्टर बी है। जब हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जब हम ए में बी को ऐड करते हैं, वो कहा गया है कि व्हेन बी इज एडेड टू ए द आंसर इज 6i + j, एंड देन बी, इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए माइनस बी, द आंसर इज -4i + 7j। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और हमसे पूछा क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ए प्लस ए कितने हो जाते हैं 2a, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 6i - 4j प्लस 2i आएंगे, इसी तरह 1i + 7j 8j हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस राइट साइड से 2 कॉमन ले लेते हैं, पिछला जगह i + 4j और इस तरफ से 2a। अच्छा, ये 2 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया a = i + 4j। नाउ इसकी ही तो मैग्नीट्यूड हमसे पूछी हुई थी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमसे पूछी हुई थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a विल बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, फर्स्ट कंपोनेंट i है और उसके साथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट 4 का स्क्वायर एंड देन अंडर द स्क्वायर रूट। अच्छा, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये बन जाएगा 1 + 16 = 17, एंड देन 17 का जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू 4.1। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज इक्वल टू 4.1, यही हमसे पूछा हुआ था, दैट इज़ योर आंसर। गुड बाय।